हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों? आप सभी को जिस घड़ी का इंतजार था, यानी आप सभी वेट कर रहे थे कि एसएससी ये क्लैरिफाई कर दे कि आपका जो सीजीएल आगे होगा, या फिर एसएससी के थ्रू आगे एग्जाम होंगे, या फिर आपका जो सीटी है उसके थ्रू एग्जाम होंगे। तो एसएससी ने अपना आज कैलेंडर, वो 21-22 का है, वो रिलीज कर दिया है। तो आप इस कैलेंडर में आप देखेंगे, सबसे पहले सीजीएल के बारे में इन्होंने बताया, क्योंकि आप में से मोस्टली जो तैयारी करने वाले हैं वो सीजीएल वाले हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका अभी 2020 में परी में कम मार्क्स थे, या फिर जो बाउंड्री लाइन पे पास हुए हैं। तो देखो, उनके पास मौका तो है जॉब लेने का, लेकिन अब हो सकता है कि वो मेंस में थोड़ा, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम है वो ऐसे है कि आप एक एग्जाम में भी थोड़ा इधर उधर हुए तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, अटक जाता है। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है एसएससी ने। हो सकता है एसएससी का ये लास्ट एग्जाम हो जो आपका ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाए सीजीएल का 21 का। तो आप कल से ही आपकी अपनी तैयारी में जुट जाइए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको जो परी होगा ये 22 अप्रैल में है, तब तक आपका मैथ का कोशिश रहेगी पूरा सिलेबस करवाने की। अभी क्या है, कुछ फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, तो इसके जो क्वेश्चंस भी हैं इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर जो प्रीवियस ईयर के होंगे वो सब कवर करवा दूंगा मैं। इसके अलावा आपका जो सीएचएसएल है, सीएचएसएल के भी काफी बच्चे हैं जो सीएचएसएल देते हैं हर साल। फिर आपका जो एमटीएस का एग्जाम है, देखो बेरोजगार रहने से अच्छा है आप कोई भी जॉब ले लो, यानी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, डिपेंडेंट रहो, मत रहो किसी पे। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन फेज है, इन्होंने काफी सारे एग्जाम बताए हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है आपका, यही करवाती है, हेड कांस्टेबल का, जूनियर ट्रांसलेटर का, तो यानी उसके बाद जेई का एग्जाम है। एसएससी ने अपने सारे एग्जाम जो जो ये 2022 या 2023 में लेंगे, यानी आपका पूरा कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है। तो आप सभी दोस्तों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने आज काफी आई थिंक ट्वीट किया था, एक दो दिन से चल रहा है ट्विटर का भी, तो काफी लोगों ने ट्वीट किया था, इसलिए एसएससी ने अपना कैलेंडर है वो रिलीज किया है। तो आप अपनी तैयारी में कल से ही जुट जाइए, और जितना आपको, क्योंकि 2020 का आप में से काफी लोगों ने प्री दिया था, तो आप लोगों को पता होगा कि भाई आपकी कमियां कहाँ कहाँ हैं, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके में क्या आपका पोर्शन वीक था, यानी जिसकी वजह से आपकी स्पीड नहीं बनी थी, वहां पे आता आपको सब है या आपकी स्पीड नहीं थी, तो आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये मान के चलिए ये आपकी जो लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इसके बाद आपका सीटी 100% आ जाएगा, क्योंकि काफी समय से चल रहा है, गवर्नमेंट बोल रही थी अभी मार्च में लेके आएंगे, तो लास्ट अगले मार्च तक तो आ ही जाएगा। तो बस आपको फोकस करना है इन तीन एग्जाम पे एसएससी के, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो भाई, तीन एग्जाम में से कोई एग्जाम में आप जॉब लेके एक बार सेटल हो जाओ, बाद में और एग्जाम के थ्रू अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो उस जॉब से, या आपको दूसरी जॉब लेनी है, तो आप बाकी एग्जाम साथ में देते रहना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो दोस्तों आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप अपने तैयारी में लग जाइए कल से ही। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, कुछ भी गाइडेंस, कुछ भी वगैरह, तो आप फ्री हैं, आप कभी भी मुझे टेलीग्राम पे, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कभी भी टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर एमटीएस, आप जिस भी चीज़ का एग्जाम आगे दोगे उसके लिए।